आज हम सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला बहुत ही कम सामान से सिंपल सा खीर खोरमा या मीठी दूध वाली सेवई बना लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे देसी घी, ये 2 चम्मच देसी घी है, जमा होने की वजह से 1 चम्मच लग रहा है। उसके बाद थोड़े से हम यहाँ पे बादाम काजू डालेंगे। मेवे आपके पास दूसरे हो या आपको दूसरे मेवे डालना हो जो पसंद हो आप इसे डाल सकते हैं। इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा भुनेंगे तब तक इसका एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, एक गोल्डन कलर, और इसकी एक अच्छी से खुशबू नहीं आ जाती तब तक इसे फ्राई करना है। जब इसकी अच्छे से खुशबू आने लगेगी तो इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, उसी में हम डालेंगे सेवई। ये मेरी देखिए पैकेट वाली सेवई है, ये जो थोड़ी मोटी होती है, ये 100 ग्राम सेवई है। अगर आप देखेंगे लगभग ये 1 कटोरी सेवई है कटोरी से। इसे हम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि इसका एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, गोल्डन कलर। इसे लगातार चलाते रहना है इस तरह से, देखिए इसका धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, सभी तरफ से हमें इसे छुड़ाते रहना है ताकि बराबर से इसका कलर आए, लेकिन थोड़ा डार्क लाइट होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमें चलाते रहना है और इसे भूनते रहना है। इसकी भी एक अच्छी सी सोंधी सोंधी सी खुशबू जब आने लगेगी उसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे दूध। देखिए इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू अब आने लगी है, इस टाइम पे हम 1 गिलास दूध डाल देंगे, यानी कि 1 कटोरी सेवई में लगभग 1 गिलास मैंने दूध डाला है। 2 चम्मच भर के हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ये अमूल का मिल्क पाउडर है। कटोरी में थोड़ा लगा हुआ था तो मैंने थोड़ा पानी डाल के उसे भी डाल दिया है, वैसे पानी डालना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि हमारी सेवई जो है वो अच्छे से गल नहीं जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती, और ये जो हमारा मिक्सचर है वो गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं हो जाता, तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कटोरी चीनी, देखिए चीनी मैंने डाल दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं एक छोटी इलायची डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने इलायची डाल दी। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे इसे, देखिए थोड़ा सा मेवा भी डाल देंगे जब थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, और थोड़ा सा इसमें हम बचा के रख लेंगे मेवे को गार्निशिंग के लिए। अगर आपके पास केसर हो तो आप केसर डालिएगा, वरना मेरी तरह आप भी केसर का एसेंस 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। केसर डालने से बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए मैंने 2 ड्रॉप डाल दिया है और हमारी सेवई देखिए गाढ़ी भी होने लगी और सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसे 1 कटोरे में निकाल देंगे और मेवा डाल के सर्व करेंगे गार्निशिंग करके। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्स अप दें।